सूरज इतना ऊपर चला गया और माशाल्लाह यहाँ पर देखें दूर दूर तक ना गंदम की फसल लगी हुई है। जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ गंदम ही गंदम नज़र आ रही है। और अभी ये फसलें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, बस दो चार दिनों तक या पाँच दिनों तक हफ्ते तक इनकी कटाइयाँ अब शुरू हो जाएंगी। ये देखें कितनी अब अबीले उड़ रही हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली हैं भाई बता रहे हैं। और यहाँ से सारी मछली जाती है इस पानी से, शाहपुर की जो हम खाते हैं यहाँ पानी में ना कभी कभी ऊपर भी आ जाती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और तकरीबन हम घर से 1 घंटा ड्राइव करके यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से आगे हम तकरीबन 1 घंटा और आगे जाने वाले हैं। और जाने वाले कहाँ हैं आपको पता ही होगा, हम लेने जा रहे हैं जी बकरे। बकरे भी हो सकते हैं और बकरा भी हो सकता है, ये तो हमारी किस्मत कि हमें क्या मिलता है। हमने सोचा है कि अजवा को तो हम अपने घर ला ही रहे हैं, तो जितनी मेहनत हम अजवा पे करेंगे साथ हम एक दो बकरे भी ले लेते हैं तो उन पे भी उतनी मेहनत होगी। तो हम इसलिए घर से सुबह सुबह निकले थे, बस जल्दी से यहाँ से भी निकलेंगे और आपके साथ मुलाकात करेंगे बकरा मंडी में। वैसे मुझे इन अबाबील को देख के ना बड़ी हैरत हो रही है, क्योंकि मैंने ये सिर्फ वीडियोज़ में देखी थी। मैंने सुना था कि ये जो होती हैं ना पानी के ऊपर अपना घर बनाती हैं, और वाकई ठीक सुना था कि ये पानी के ऊपर ही अपना घर बनाती हैं। इनका जो घर है ना इस पुल के नीचे है, मिट्टी से अपना घर बनाती हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये यहाँ पर ना पानी के ऊपर उड़ रही हैं, अभी गायब हो जाएंगी धूप निकलेगी मेरे ख्याल में। बाकी यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पर आगे खुली ज़मीनें हैं, इस तरफ पानी है और बिल्कुल सुकून है। यहाँ पर कोई इतनी गाड़ियाँ नहीं है, कोई ज़्यादा रश नहीं है, कुछ शोर नहीं है, बहुत ही ना सुकून वाला माहौल है। और मेरा यही दिल कर रहा है कि बस मैं ना यहाँ से पैदल ही चलना शुरू कर दूँ। हम सुबह से मंडी में घूम घूम के ना अभी इस वक्त 11 बजने वाले हैं और हालत मेरी ख़राब हो रही है, पहले ही तबीयत बहुत ख़राब है। तो हमें यहाँ भाई एक जगह पे ले गए हैं, इनके पास बकरे हैं और यहाँ पर देखे दूर दूर तक ना कोई आबादी नहीं है। ये भी एक घर है और इस तरफ शायद 2-3 घर हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये तो बकरी है, एक बकरा ये है लेकिन अच्छा है, मुझे पसंद आया है, ये देखें प्यारा है। और एक इस तरफ है काला वाला बकरा ये, और वहाँ पर देखें ये भी मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत प्यारा है, ये देखें भाग ना जाए, भाग ही गया। और इसकी माँ मुझे लगता है ये वाली है। और ये देखें यहाँ पर खरगोश भी इन्होंने रखे हुए हैं, उसका एक बच्चा भी साथ है, पता नहीं एक ही है जैसे आते हैं। मुर्गियाँ भी हैं, कबूतर भी थे, अभी हमें देखे ना सारे इस तरफ उड़ गए हैं। और यहाँ पर ये देखें मुर्गियाँ, और यहाँ पर भी बच्चे हैं, ये देखें कितने प्यारे हैं, खा रहे हैं जैसे ना हमारे घर में बच्चे हैं खरगोशों के, इस तरह इधर नीचे घुस गए हैं। तो ये सब कुछ है जी मंडी में। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सका, बहुत ज़्यादा रश था और वहाँ मोबाइल निकालने का भी वक्त नहीं मिल रहा था, रश भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकले हैं, क्योंकि वहाँ कोई अच्छी चीज़ भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें थी, तो इसलिए अभी यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ जो भाई हैं ना जिनकी ये चीज़ें हैं वो अभी घर नहीं है, तो उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उनसे जल्द रब्ता कर लेंगे। अगर रब्ता हो जाता है और वो आ जाते हैं तो हम उनसे, अगर ये बकरों की बात हो जाती है तो इंशाल्लाह हम उनसे ये बकरे ले लेंगे। बकरों के लिए कहाँ कहाँ मैं जलील नहीं हो रहा, वहाँ ऊपर से हम आए हैं चलते हुए इतनी गर्मी में। और ये देखें अभी इनके साथ हम उस तरफ जा रहे हैं और वो सामने दरख्त जो हैं भाई जान कह रहे हैं इन दरख्तों में ना इनके बकरे बकरियाँ बंधी हुई हैं या उस तरफ चारा खा रही हैं, तो हम अभी वहाँ तक चल के जा रहे हैं। और जो इससे पहले मैं बकरे देख के आया था, दो बकरे फॉर सेल हैं, एक छोटा वाला जो बकरा था ना वो वाला वो नहीं बेच रहे, वो कहते हैं ये माँ के साथ है, या तो माँ भी साथ ले जाएं क्योंकि वो भी माँ का दूध पी रहा है और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद था बच्चा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उन भाई से हमारी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ी सी देर तक घर आ जाता हूँ, तो हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन था, तब तक हमने सोचा वक्त ज़ाया नहीं करते ये देख लेते हैं। तो अभी बस हम उस तरफ जा रहे हैं, बकरे देखते हैं, अगर पसंद आता है बात बनती है तो हम ले लेते हैं, क्योंकि रेट इतने ज़्यादा हाई हैं जो मेरे दिमाग के ऊपर से निकल रहे हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने ज़्यादा महंगे होंगे बकरे। बड़ा अजीब सा इलाका, मैं पहली दफ़ा इस तरफ आया हूँ, लेकिन है प्यारी जगह। और भाई जान उस तरफ जा रहे हैं, मैं थक गया हूँ, बिल्कुल थक गया हूँ, इतने दूर से चल गए हैं, तकरीबन 10 मिनट तो हो गए हैं यहाँ में चलते चलते। और भाई जान कह रहे हैं कि उस तरफ ना एक डैम भी है, तो मैं इसी खुशी में उस तरफ जा रहा हूँ कि चलें, अगर पानी हुआ तो हम नहा लेंगे, थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। अब ये भी नहीं पता डैम जो है ना उसका पानी गंदा ही ना हो, नहाने के काबिल ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि आगे कोई डैम ही ना हो, बस हमें ऐसे ही लालच में लेके जा रहे हो। बहरहाल
मैं थक चुका हूँ, लेकिन हम अपने बकरों के पास जाके ही रेस्ट करेंगे। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको वो बकरे भी दिखाता हूँ। ये सामने घर नज़र आ रहा है, इससे भी पीछे घर है जहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की है, और ये देखें हम कितनी दूर आ गए हैं। और अभी भी ना वो बकरियों वाले भाई हमें नहीं मिले। हमारी तलाश जारी है, हम इस तरफ जा रहे हैं और आज हम उनको ढूंढ के ही छोड़ेंगे। जहाँ भी गए हम उनका पीछा करते करते वहाँ तक जाएंगे, कितने दूर जाएंगे कोई बात नहीं। अब हम घर से निकल आए हैं तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आज हम बकरे लेके जाएंगे। यहाँ पर जानवर आ चुके हैं, कुछ बकरियाँ हैं कुछ बकरे हैं, और हम यहाँ पर बैठ के पिछले 15-20 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ नीचे वाली साइड पे डैम है और यहाँ पर बड़े फिट ये देखें दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। ये आ रहे हैं जी बकरे, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने 3 बकरे लिए हैं। वैसे तो 2 का इरादा था लेकिन 3 ले लिए हैं। अभी गाड़ी भी आ रही है। ये हैं हमारे इस तरफ बकरे, जो कि मैं आपको बाद में तफसील से ना घर जाके बताऊंगा। अभी बस गाड़ी आ रही है, गाड़ी में इनको रखते हैं, और उस तरफ मोटर चल रही है और बहुत हालत ख़राब है। तो जल्दी से ना मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ, ज़रा सर पे पानी डाल लेता हूँ, फिर हम यहाँ से चलेंगे घर और आपको दिखाएंगे बकरे घर जाके। यहाँ घर आए हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन मैं आते ही ना सो गया था। मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी सो के उठा और मुझे ना उस तरफ से ना बकरों की आवाज़ें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा वो शायद मस्तियाँ कर रहे हैं। मैं वहाँ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हो सकता है अभी हम अपने बकरों को उस तरफ ले के जाएँ, लेकिन जब से लाए मैंने उनको पानी नहीं पिलाया बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने मुझे मना करके भेजा था। वो बहुत गर्मी में आए थे और बहुत दूर से आए थे, तकरीबन 1.5 घंटे तो वो गाड़ी में ना धूप में रहे थे, तो इस वजह से अभी उनको जाके पानी सबसे पहले पिलाता हूँ और उसके बाद उनको चारा डालेंगे। पहले इनको पानी पिलाते हैं। ये रहे हमारे बकरे माशाल्लाह से। इनको यहाँ बांध कौन गया? मैं तो नहीं बांध के गया, शायद अब्बू ना बांध गए हों। ये देखें सरिये भी लगे हुए हैं और इनको रस्सियाँ भी पड़ी हुई हैं, शायद ये मस्तियाँ कर रहे थे इसीलिए। मैं तो अभी यहाँ पर आया हूँ, जब मैं इनको यहाँ पर छोड़ के गया था और बिल्कुल इनकी रस्सियाँ जो है ना वो निकाल गया था, खोल के चला गया था, लेकिन कोई इनको बांध के चला गया। यहाँ पर देखें एक यहाँ पर बंधा हुआ है माशाल्लाह से, एक यहाँ पर, और तीसरा जो वाइट कलर का है वहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ पर भी वो बंधा हुआ है। अभी मैं इनको पानी पिलाता हूँ, उसके बाद हो सकता है मैं इनको बाहर लेके जाऊँ, या फिर इनके लिए आज फिलहाल यहीं पर चारा लाते हैं। और हमारी जो जालियाँ हैं ना इंशाल्लाह कल शाम तक यहाँ पर लग जाएंगी, उसके बाद हम इन बकरों को खुला छोड़ देंगे, क्योंकि अभी ये खुले हुए थे तो उस तरफ ना हमारी मुर्गियों को तंग कर रहे थे, वो मुर्गियाँ डर से ना बाहर ही नहीं निकल रही थी। मैंने इनको पानी डाला है और ये पानी बिल्कुल भी नहीं पी रहे, और इसकी हरकतें चेक करें, कभी मेरी कमीज खाते हैं कभी ना मेरे हाथ को खाना शुरू कर देता है। तो एक तो ये पानी बिल्कुल नहीं पी रहे, और अहमद ने मुझे अभी बताया है अबू आए थे, इनको एक तो बांध के गए थे और दूसरा इनको पानी भी पिला कर चले गए थे, तो इसीलिए ये पानी भी नहीं पी रहे। तो खैर कोई बात नहीं, अभी ये पानी तो नहीं पी रहे हैं, लेकिन इनके लिए मुझे सारी चीज़ें मंगवानी है, चारा वगैरह भी मंगवाना है, और इनके लिए मुझे चारे का जो सिस्टम करना है बनाना है, मतलब वो यहाँ पर लकड़ी का एक ऐसे बनाना है जिसके अंदर ये खाया करेंगे। अभी फ़िलहाल आज तो हम इनको ऐसे ही किसी जगह पर डालेंगे, और दूसरा इस पूरी जगह की सफाई करनी है। ये जितने पत्थर हैं ये वाले ये सारे उठाने हैं, और यहाँ पर हमने मिट्टी फेंकनी है, और सेम वैसा ही करना है जैसे हम मुर्गियों के साथ करते थे, यानी कि मिट्टी के ऊपर हम पानी लगा दिया करेंगे ताकि सारा दिन ये यहाँ पर घूमे और वो मिट्टी ठंडी रहे। वैसे इनका घर भी अंदर ठंडा है, अगर वहाँ जाना चाहें पसंद करें तो जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये यहीं पर रहेंगे और मैं इनको चारा वगैरह यहीं पर डाला करूँगा। और हो सकता है ये 3 हैं, इनमें से एक हम ज़िबा कर लें अपने घर के लिए, बाकी 2 रहेंगे और फिर हम लाएँगे अपनी अजवा को, वरना ये 3 हैं अजवा को ऐसे ही तंग करेंगे। ये देखें माशाल्लाह ये वाइट और ब्राउन कलर में है, और ये देखें ओह ये मस्तियाँ करते हैं बहुत ज़्यादा, ये लड़ाइयाँ भी करते हैं उस वाइट वाले के साथ। और ये देखें मुझे सबसे ज़्यादा ये ब्लैक वाला पसंद है, यहाँ पर देखें बहुत प्यारे। और इस तरफ ये वाइट वाला, माशाल्लाह से तीनों बकरे पसंद थे मुझे और तीनों प्यारे थे। जिन भाई से खरीदे वो कहते हैं आप तीनों ही ले जाएं, वैसे मेरा तो 2 का इरादा था, वो कह रहे थे कि तीनों ले जाएं, तो मैंने कहा चले आप तीनों ही दे दें, और मुनासिब मिल गए हैं इसलिए मैं तीनों ले आया हूँ। लेकिन ये जो वाइट वाला है ना ये वाला, हो सकते है हम इसी को ज़िबा कर दें। इस सुर्ख वाले बकरे ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है, इतनी अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपने परिंदों को मैंने सुबह से नहीं देखा, बस मुझे एक दफ़ा इनको देखना है और उसके बाद इफ्तारी का वक्त हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा आराम से। यहाँ की एक तो सफाई करनी है, मिट्टी डालनी है, और ये काम मुझे रात को ही करना है। उसके बाद फिर हमारा इंशाल्लाह कल तक ये जाला वगैरह भी लग जाएगा, इनके दरवाजे भी, तो इनको हम खुला छोड़ देंगे, और फिर मुझे चारे का भी इंतज़ाम आज ही करना है।
ताकि ना ये भूखे ना रहे। अभी तो फिलहाल ये कुछ ना कुछ खा रहे थे, लेकिन अभी इनके लिए ना मुझे बाकी सारा सामान भी लेके आना है। जल्दी से हम खरगोशों को देखते हैं। और ये देखे माशाल्लाह से सारे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं मुझे देख के, ये 5 के 5 बच्चे। ये इनका बाप इस तरफ लेटा हुआ है, बड़ा परेशान परेशान, इसको क्या हुआ है, पीछे चला गया। और ये हमारी फीमेल, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं, इसके बच्चे कहाँ पर हैं। माशाल्लाह से बच्चे अंदर हैं और सारे बच्चे ठीक ठाक हैं। इसको दाना पानी भी पूरे, चारा वगैरह भी इसको ना अहमद ने डाल दिया था। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे कबूतर भी पूरे हैं। ये सेंटी का मेल बैठा हुआ है और सेंटी का बच्चा यहाँ पर है, और बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे हैं। तो इनको भी हम यहीं पर छोड़ते हैं और इनको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर जब मैं आया तो खरगोश भी बाहर निकले हुए थे, कबूतर भी यहाँ ऊपर बैठे हुए थे। अबू ने ना सबको निकाल दिया था और अहमद ने सबका दाना पानी भी चेंज कर दिया था। इनको मैं बाहर निकालना भूल गया था सुबह, तो अहमद ने इनको भी बाहर निकाल दिया था। और यहाँ पर जितने पैरट्स के बच्चे आए हुए थे उन सबको अहमद ने दाना पानी भी डाल दिया था और उनको चावल भी डाल दिए थे। अब गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, 1-2 दिनों बाद अगर मैं पानी ना लगाऊँ तो ये बेचारे सूखना शुरू हो जाते हैं। और आज मैंने इनको पानी लगाना था लेकिन मैं घर पे नहीं था, तो इसलिए हम रात को आज इन सब को ना पानी लगाने वाले हैं। और यहाँ पर घास दोबारा से बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं माली भाई को बताता हूँ कि यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये आज निकालना शुरू कर दें। इस फूल का नाम मुझे भूल गया है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने नाम भी बताया था, उन्होंने कहा था कि हमारे घर में भी लगे हुए हैं, शायद कोई और कलर है, लेकिन हमारे घर जो है ना रेड कलर में है, शायद बाजे वाला फूल था या ड्रम वाला फूल था, कुछ इस तरह बता रहे थे। ये देखें यहाँ से कांटे तोड़ तोड़ के ये मुंह में डाल रहा है, अब इसको पता नहीं है कांटे लग जाएंगे, और इसको एक कांटा भी लगा ना तब इसको पता चलेगा और ये इस साइड पर फिर नहीं आएगा। क्या कर रहे हो, तो जब पता है तो फिर क्यों छेड़ रहे हो, बस ऐसे ही ना पंगे लेने की आदत है। मैंने पहले सोचा था कि बकरों को हम इस तरफ लाएंगे और यहाँ पर घुमाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं और यहाँ की सफाई करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं 3 बकरे लाऊंगा, मेरा इरादा था 1 बकरे या 2 बकरों का ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमारी किस्मत में थे तो मैं 3 बकरे ले आया हूँ। बाकी आज तो उनको मैं यहाँ पर घुमा नहीं सकता या उस तरफ नहीं ले जा सकता, लेकिन कल मैं इंशाल्लाह इन बकरों को अजवा वाली साइड पे लेके जाऊँगा और अजवा के साथ घुमाऊँगा। और अजवा को भी 2-3 दिन तक हम ले आएंगे जब हमारा 1 बकरा कम हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बकरे उसको तंग करेंगे, फिर मुझे इनको बांध के रखना पड़ेगा और अजवा की तब तक जगह भी बन जाएगी। और आपने बताना है कि आपको हमारे बकरे कैसे लगे हैं। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।